अच्छा, इसका मैदा खट्टा ही रहता है, सार बेल्टिंग। मैंने आपसे कहा था ना, सर दर्द होती है जरा सी भूख हो, वो खटास की वजह से भी होती है, लेकिन हर खटास वाले को नहीं होती, जिन खटास वालों को होती है उनमें सोयाबीन नुमाया है, क्योंकि पहले ही ये खटास का मारा हुआ मरीज होता है। ऊपर से ये हो जाए तो करेला नीम चढ़े वाली बात हो जाती है, करेला नीम चढ़ा। प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन औरतों में, ये भी बहुत सी दवाओं में मिलती है, जहां मेंस्ट्रुएशन प्रोलॉन्ग्ड हो लेकिन मुअय्यन वक्त में हो और लंबे अरसे से औरत का यही मिजाज चला आ रहा हो, वहां खतरनाक नहीं है, वहां प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुएशन वाली दवाओं ही से इलाज होना चाहिए। जहां मिजाज बदले और नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन या कम मेंस्ट्रुएशन ज्यादा वक्त के लंबे हैज में तब्दील हो जाए, वो खतरनाक है। अक्सर उसका ताल्लुक किसी ग्रोथ से होता है जो रेहम के अंदर पैदा होती है, गुठलियों की सूरत में, या जो नाम भी उसका आप रख लें। वो ग्रोथ लाजिम नहीं कि कैंसर हो, मगर कैंसर के का एहतमाल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ऐसी मरीजा का रेहम की गुठलियों को पेश नज़र रखते हुए इलाज ज़रूरी है। वो आप इलाज करें, खून आप ही ठीक हो जाता है। और ये बारहा हो चुका है मेरे, एक दफा का वाकया, दो दफा का नहीं, बीसियों मरतबा यही हिंदुस्तान के तजुर्बे में मैंने देखा है कि औरतें अलग हल से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, लेकिन साथ ही उनको पता चलता है कि अंदर गुठलियाँ थी वो भी गायब हो गई, तो ब्लीडिंग गुठलियाँ हैं जिनकी वजह से ये मेंस्ट्रुएशन दिखाई देती। इसमें सोराइनम में गुठलियाँ भी होती हैं, वुलूद भी फूलते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और बात है जो मैंने देखी है कि रेहम के अंदर इसका असर खारिश जैसा असर होता है, जिस तरह जिल्द की खारिश दब के अंदर चली जाए और वजूदों को मुतासर करे या म्यूकस मेम्ब्रेन्स को, इस तरह रेहम के साथ भी इसका ताल्लुक है। सोराइनम का मरीज हो, अगर उसको जिल्दी बीमारी हो, तो उसकी औरतों में ये असर दिखाई देता है कि अंदर जिस तरह मुस्तकिल सोजिश हो, वो मेंस्ट्रुएशन नहीं है लंबी, वो दरअसल बीमारी है जो वक्तन फवक्तन खून निकालती है, कुछ देर जमा हो जाता होगा फिर निकल जाता है। तो इसकी इलामतों में ये भी है कि मेंस्ट्रुएशन लंबी और वक्फे वक्फे के बाद खून का निकलना जो गश की सूरत में होकर फिर बज़ाहिर आराम आ जाता है, तो निफास और चीज़ है, ये और चीज़ है। बाद औरतों को लंबा सा खून आता है वो बीमारी है, और बीमारी ये अंदर की गहरी सोजिश की इलामत है, और ख़ासतौर पर सोराइनम के मिजाज से तल्लुकने वाली। इसको अगर आप सोराइनम ऊंची ताकत में दें तो इस बात के लिए तैयार रहें कि मरीज जल्दी तकलीफ का आपसे शिकवा करें, आपकी दवाई से पहले नहीं थी और अब ये बड़ी सख्त तकलीफ ज़ाहिर हुई है। ये अल्लाह ताला का एहसान समझें कि उसका जो मर्ज़ है उसने अंदर से बीचा छोड़ा और जिल्द ने वैसी ही बीमारी को जाहिर कर दिया।